खुला दो नमन चाहो आओ यार आओ आओ थोड़ा सा हां अरे लाइव दीजिएगा देखते हैं नहीं नहीं तू कट बसली अरे यार घर ले सबसे पहले आपके जो हाथ है हां हां वो एकदम आ Happy anniversary! नमन चके पहिले 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 लो गई अब गई अब चला बर्थडे बॉय साइड में भैया हरिया नहीं बॉय म कुछ बोलो कुछ बोलिए सबको धन्यवाद दीजिए जो जो आए हैं आपको सुबह से लगाए हुए हैं बोलिए कुछ बोलेंगे अरे एमओ पहले बोला कुछ एमओ बोला कुछ अरे भैया अगवा जाके अगवा जाके बेटा अगवा जाके मार दे जॉब जल लगाओ तू तब हेलो हाँ जी हाँ मालूम है छोड़ दो बिदाई इसका सुनो ना अजय 41 होगा अभी लगाने का सुनो जबरदस्ती भी ले लेंगे अब फिर एक अलग से केस होगा आप पर पुलिस सरकारी कार्य में बाधा डालने का हैं बच्चा टाइप से क्यों कर रहे हैं अरे हथियार दे दीजिए ना आपका जांच करेगा लाइसेंस ये लाइसेंस दिखाइए हथियार दिखाइए आपको पकड़ रहा थोड़े फर्जियों रखे हैं क्या हथियार दो नंबर का हथियार भी है क्या घर में जो कार है उतना करवाइए फायदे में रहिएगा नहीं तो बिना मतलब का वो केस हो जाएगा अलग से जब वहां पर है तो भाई कहिए महिला सबको देगी हथियार समझ में नहीं आया बेवकूफ टाइप से बात कर रहा क्या हथेली खुलवा फोटो करवा दे भागे करना ना वो जो घर वाला बात किया था तो क्या नहीं बोल रहा है खोल देने के तो गांव वाला लोग क्या कर रहा है एक व्हाट्सएप पर बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हथियार लहराते हुए कुछ युवक दिखाई पड़ रहे हैं और फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई पड़ रही है तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भभुआ के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया तो ये वीडियो चैनपुर का निकला
और उसमें जो संलिप्त थे उसमें दो व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो भी बरामद किया गया है, पहचान हो गई है और प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। लॉकडाउन उल्लंघन का और हर्ष फायरिंग का केस भी दर्ज किया जा रहा है, गिरफ्तारी की गई है। अब आगे जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।